हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये ब्यूटीफुल सा इंडियन पार्टी मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप किसी भी इंडियन फंक्शन या पार्टीज़ में कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्किन केयर से, और सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का टोनर। इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस की ही फेस क्रीम। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। प्राइमर लगाने से आपके स्किन के पोर्स बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं और आपका मेकअप देर तक टिका रहता है। इसे मैं अपने टी जोन पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन की जगह आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का पैनकेक। इसे एक डैम स्पंज की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन पर थोड़े ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही लाइट कवरेज देता है और आपके ब्लेमिशेस और दाग धब्बों को ये ठीक से कवर नहीं कर पाएगा। इसे अप्लाई करने के बाद मुझे अपनी स्किन पर थोड़ी ड्राइनेस फील होती है, तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। इसके बाद अपने फेस को हाईलाइट और ब्राइट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का लिक्विड कंसीलर। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आइज, जॉ लाइन, फॉरहेड, नोज़ और चिन पर। साथ ही साथ मैं कंटूरिंग स्टिक की हेल्प से मैं अपने फेस को कंटूर भी कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक डैम स्पंज की हेल्प से अपने कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम स्पंज की हेल्प से मैं अपने क्रीम कंटूर को भी ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से मैं बनाना शेड लेकर अपने कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। जहाँ भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं ये पाउडर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ किस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए मैं अपनी आईब्रोज को इस जेल आईलाइनर से फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं अपनी आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ NYB का ही लिक्विड कंसीलर, और इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसे पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये वाला रेड आई शेडो एक ब्रश पर ले लूँगी और इसे अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ये वाला पर्पल आई शेडो ले लूँगी और इसे अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ये वाला ब्लू आई शेडो एक पेंसिल ब्रश पर ले लूँगी और इसे अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस कर दूँगी और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज लाइन की तरफ भी ब्लेंड कर लूँगी। इसे इनर कॉर्नर तक नहीं लेकर जाना है, बस थोड़ा सा क्रीज लाइन पर ही ब्लेंड कर लेना है।
इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश पर लिक्विड कंसीलर ले लूँगी और इसकी हेल्प से अपनी आईलिड पर कट क्रीज क्रिएट कर लूँगी। सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी आईलिड पर भी कट क्रीज क्रिएट कर लूँगी। इसके बाद मैं एक क्लीन फ्लैट ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लूज पाउडर अपने कट क्रीज के ऊपर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर क्रीज ना करे। लास्ट में मैं ये वाला गोल्डन आई शेडो ले लूँगी और एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने कट क्रीज के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। इसे पूरी आईलिड पर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कट क्रीज के ऊपर ही इसे अप्लाई करना है। आप चाहें तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी दूसरी आईलिड पर मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लू आई शेडो अपनी क्रीज लाइन पर और अप्लाई करूँगी और लास्ट में एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इन सबको ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। इसके बाद मैं एक ब्रश पर सिल्वर कलर का आई शेडो ले लूँगी और इससे अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी। साथ ही इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं NYB के लिक्विड आईलाइनर से अपनी आईज पर एक मीडियम विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने फेस पर से सारा एक्सेस पाउडर रिमूव कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने क्रीम कंटूर को सेट कर लूँगी वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट से। इसके बाद मैं अपने चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का पिंक ब्लशर। इसके बाद मैं अपनी अपर और लोअर वाटरलाइन पर अप्लाई कर रही हूँ स्टेक वर्की का बैडेस काजल। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश पर सबसे पहले वाला रेड आई शेडो ले लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मज कर लूँगी। इसके बाद एक पेंसिल ब्रश पर मैं ब्राउन आई शेडो ले लूँगी और इसे रेड आई शेडो के साथ अपनी लैश लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना का शाइनिंग स्टार शिमर ब्रिक हाइलाइटर। एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं ये हाइलाइटर अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं अपनी लोअर लैशेस पर अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। अपने लिप्स की आउटलाइन बनाने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राइट पिंक कलर की लिक्विड लिपस्टिक। अपने लिपस्टिक के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का लिप क्रियॉन। इसका शेड नेम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। लास्ट में मैंने अप्लाई कर ली है बिंदी और अब मैं पहन रही हूँ अपनी ज्वेलरी। मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना भूल गई थी तो अब अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।